नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आप लोगों के लिए आज बायोलॉजी का न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, जो है नोमन कल्चर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, नामकरण, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक के हमारे जितने वीडियो आ रहे हैं, आप लोगों का व्यू अच्छा आ रहा है, आप लोगों के लाइक्स भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, और आप लोगों से अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, जो हमें हमारे स्टूडेंटों से, दोस्तों से जो आशा थी, बहुत अच्छा मिल रहा है। बस आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम इसी तरह से आप लोगों को ये वीडियो उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ये जो पिछला टॉपिक था वो थोड़ा सा टफ था, और ये हम आपको बता दें कि ये जो आपका नोमन कल्चर आया है, ये भी थोड़ा सा टफ टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम जंतुओं और जीवों के साइंटिफिक नेम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा आपको, इस टॉपिक को भी थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, इसमें भी आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अब इसके बाद के जो आप टॉपिक आएंगे ना, वो बहुत ही ईजिली आएंगे और बहुत ही उनको बेहतर तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में आप उसको कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम करते हैं इस आज की वीडियो को शुरू, जो आज का टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। तो दोस्तों, आपने सुना होगा एक पद्धति का नाम, जिसका नाम है द्वि नाम पद्धति। कौन सी पद्धति? द्वि नाम पद्धति। ये जो द्वि नाम पद्धति है, इसके जो जनक माने जाते हैं, यानी कि इसके उद्भव करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो किसके पास जाता है? तो इससे पहले जो आपने एक नाम सुना होगा, क्या नाम था उनका? कार्ल लीनियस। क्या नाम था उनका? कार्ल लीनियस। ये जो कार्ल लीनियस हैं, इन्होंने द्वि नाम पद्धति की शुरुआत की थी। सीधी सी बात है, हम इन्हें कह सकते हैं द्वि नाम पद्धति का जनक। किसे बोल सकते हैं? कार्ल लीनियस को। तो जब इन्होंने द्वि नाम पद्धति दी, तब इस द्वि नाम पद्धति में इनने कुछ रूल्स भी दिए। क्या दिए रूल्स, उन्हें देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने द्वि नाम पद्धति में क्या बताया पहले रूल में। देखिए, द्वि नाम पद्धति मतलब किसी भी जीव का या किसी भी पौधे का जो साइंटिफिक नेम होता है, उसके बारे में इन्होंने एक रूल बताए कि जो वैज्ञानिक नाम होंगे, जो साइंटिफिक नेम होंगे, वो किस आधार पर, किस भाषा से, कितने अक्षर का, कौन सा क्रम कैसा होगा, कौन कैपिटल होगा, कौन स्मॉल होगा, इसके इनने रूल्स बताए थे, जिसे क्या कहते हैं हम? द्वि नाम पद्धति कहते हैं। तो इसमें पहले रूल में इनने क्या बताया था? इन्होंने सबसे पहला रूल्स बताया था कि ये जो द्वि नाम पद्धति होगी ना, तो ये क्या होगी, सॉरी, यह है लैटिन भाषा में होगी। कौन से? लैटिन भाषा, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जब हम किसी का साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, तो वो किस भाषा में होगा? लैटिन भाषा में। दूसरा रूल इन्होंने क्या बताया? दूसरा रूल इन्होंने बताया कि जो ये द्वि नाम पद्धति होगी, ये दो शब्दों से मिलकर बनी होगी। किससे मिलकर बनी होगी? दो शब्द होंगे इसमें, ठीक है। इसमें कितने होंगे? दो शब्द होंगे, और उन्हीं दो शब्दों की वजह से इसे क्या बोलते हैं? द्वि नाम पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? द्वि नाम पद्धति कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने तीसरा रूल बताया। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने तीसरा रूल में यह बताया कि जो दो शब्द होंगे, इन दो शब्दों में जो पहले शब्द का पहला अक्षर, ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि पहले शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो दो शब्द होंगे, उनमें से जो पहला शब्द होगा, उसका जो पहला अक्षर होगा, वो कैसा होगा? कैपिटल होगा। और इसके अलावा, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? स्मॉल होगा। कैसे होंगे? स्मॉल लेटर में होंगे। ये इन्होंने बताया अपने तीसरे रूल में। इसके बाद इन्होंने अपना चौथा रूल बताया कि अगर ये जो साइंटिफिक नेम है,
अगर इन्हें आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं, कैसे? हैंड राइटिंग में, यानी कि हैंड रिटन करते हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर आप अपने हैंड रिटन से करते हैं तो याद रखिएगा उसके नीचे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन ऐसे करेंगे, जहां भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे उसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। ये हैंड रिटन का नियम है साइंटिफिक नेम में। इसके अलावा उन्होंने एक शर्त और भी बताई, अगर आपने हैंड राइटिंग नहीं की है, कहीं पर प्रिंटेड मटेरियल मिल रहा है, यानी आप कहीं बुक में देख रहे हैं, तो बुक में क्या खास बात होगी उस साइंटिफिक नेम में कि आप पहचान जाएंगे कि ये साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जो प्रिंटेड मटेरियल उसमें इन्होंने बताया कि ये जो प्रिंटेड मटेरियल होगा उसमें होगा इटैलिक। कैसा होगा साहब? इटैलिक होगा। इटैलिक का मतलब होता है तिरछे। क्या होता है? तिरछे। जहां भी बुक में कहीं साइंटिफिक नेम लिखा होगा वहां वो नेम इटैलिक में होगा, यानी तिरछे में लिखा होगा। अगर आप हैंड रिटन से अपने नोट्स में लिखते हैं किसी का साइंटिफिक नेम, तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा इनने क्या बताया कि इसमें पहला जो शब्द होगा दो शब्दों से मिलकर बना होगा। इसमें जो पहला शब्द होगा वो पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाएगा, लेकिन दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक नियम और बताया, इसमें जो पहला शब्द है किसको करेगा? जीनियस को। पहला शब्द जीनियस, जीनियस यानी बंस, और दूसरा शब्द क्या करेगा? स्पीसीज को, यानी कि जाति को प्रदर्शित करेगा उसकी। याद रखिएगा उन्होंने इस रूल में क्या बताया कि लैटिन भाषा का होगा, दो शब्दों से मिलकर बना होगा, दो शब्द जो होंगे उनमें से पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अगर आप उसे हैंड रिटन करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, अगर आप प्रिंटेड मटेरियल में देखेंगे तो उसे इटैलिक करेंगे, और इसके अलावा जो ये दो शब्द होंगे ना, वो दो शब्द में चाहे वो पौधे का हो चाहे वो जंतु का हो, जो पहला शब्द होगा वो उसके वंश को बताएगा कि ये इस वंश का है, और जो दूसरा शब्द होगा वो उसकी स्पीसीज यानी कि जाति को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से ये नियम दिए थे किस व्यक्ति ने? कार्ल लिनियस ने। और द्विनाम पद्धति में इन्होंने सबसे अच्छा काम किया था, इसलिए इन्हें द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। किसको? कार्ल लिनियस को। वही कार्ल लिनियस है जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिन्हें टैक्सोनॉमी का भी जनक कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है, इसे द्विनाम पद्धति का भी जनक कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा? वंश, जाति। ठीक है, ये देखें। तो देखिए अगर हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखें, क्या देखें? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की इकाई। तो याद रखिएगा अगर हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो अगर इसमें देखेंगे तो सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है? स्पीसीज होता है। ठीक है, स्पीसीज, जिसे क्या बोल सकते हैं हम? जाति। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी यूनिट वर्गीकरण की क्या होती है? स्पीसीज। ठीक है, जब स्पीसीज ग्रुप में मिलती है तो बनता है क्या? जीनियस। क्या बनता है? जीनियस, जिसे क्या बोलते हैं हम? बंस। जिसे क्या बोलते हैं हम? वंश बोलते हैं। ठीक है, जब स्पीसीज समूह रूप में एकत्रित होती है तो स्पीसीज यानी जाति का समूह क्या कहलाता है? वंश। अब यही वंश का जब समूह बनता है तब बनती है फैमिली। क्या बनती है? फैमिली, यानी जिसे हम बोल सकते हैं कुल। इसे क्या हम बोल सकते हैं? कुल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब यही फैमिली एक ग्रुप में बनती है तो फैमिली के ग्रुप के बनने से फिर क्या होता है?
फैमिली के बाद बनता है ऑर्डर, जिसे क्या बोलते हैं हम, गण। इसे क्या बोलेंगे हम, गण बोलेंगे। ठीक है, जब यही ऑर्डर बनते हैं ग्रुप में तो बनती है क्लास। क्या बनती है, क्लास, जिसे बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं इसे, वर्ग। और जब यही वर्ग यानी क्लास समूह रूप में मिलते हैं तब बनता है फाइलम। क्या बोलता है, फाइलम। फाइलम को क्या बोलते हैं हम, संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघ। और जब यही फाइलम, कई फाइलम यानी संघ बनते हैं तब बनता है किंगडम। क्या बनता है, किंगडम, जिसे बोलते क्या हैं हम, जगत। क्या बोलते हैं, जगत बोलते हैं। तो दोस्तों ये है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट स्पीसीज यानी जाति होती है। जब कई प्रकार की जातियां मिलती हैं तो एक कुल जीनियस यानी वंश बनता है। यही वंश ग्रुप में जब मिलते हैं तो कुल बनता है। कुल से बड़ा ऑर्डर होता है जिसे गण कह सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर के अलावा फिर उसका बड़ा क्लास होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसके बाद फाइलम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, संघ। और संघ जब कई ग्रुप में मिलकर के बनता है तो फिर बन जाता है आपका किंगडम, जिसे बोलते हैं जगत। क्या बोलते हैं, जगत। तो कह सकते हैं हम क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो किंगडम है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो स्पीसीज है। तो ये सब बताया किसने, किसने बताया, ये कार्ल लिनियस की पूरी कहानी बता दी हमने आपको। ये पूरा इतना जानकारी दिया उन्हें, किसने, कार्ल लिनियस जी ने। ठीक है, तो ये होता है आपका नोमेनक्लेचर। क्या होता है ये, नोमेनक्लेचर। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारे एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे जंतुओं को पढ़ेंगे, कुछ ऐसे जंतुओं के साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ पौधों को भी पढ़ेंगे। लगभग 20-20 के लगभग हम पढ़ने वाले हैं, जो अधिकतर एग्जामों में वो नाम पूछे जाते हैं। तो इनको स्क्रीनशॉट अगर हो गया हो तो फिर हम चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम जंतुओं के वैज्ञानिक नाम। क्या देखते हैं, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, कुछ हम जंतुओं के पढ़ेंगे और कुछ हम पादप के भी पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें केवल उन्हीं लोगों को पढ़ना है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ये नाम टफ है और इन्हें आप जब दो बार तीन बार रिवाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आने लगेंगे आप लोगों को। बस थोड़ा सा इसमें मेहनत की ज़रूरत है, बस एक टॉपिक है जिसमें आपको इसमें मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, पर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, पहला नाम देखते हैं मेढक। कौन है, मेढक। मेढक का एग्ज़ाम में साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, तो याद रखना इसका साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। ठीक है, इसमें हमने देखो नियम को फॉलो किया है। पहला, पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनाया है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्मॉल बनाया है। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, हमने बोला था अगर हम हैंड राइटिंग में करते हैं तो इसके नीचे क्या करते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं। ये जो राना टिग्रीना लिखा है ना, ये कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा है। तो ये फुले लूज, इसमें जो राना और टिग्रीना है ना, ये जो राना है ना ये इसका जीनियस है, क्या है, वंश है। और जो टिग्रीना है ये इसकी स्पीसीज है यानी जाति है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका पहला शब्द वंश को, दूसरा शब्द इसकी जाति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं अगला बिल्ली। क्या नाम है, बिल्ली। ये जो बिल्ली है ना इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेलस डोमेस्टिका।
इसे क्या बोलते हैं? फेलस डोमेस्टिका। इसका क्या है? ये साइंटिफिक नेम है। अगला देखते हैं कुत्ता। क्या नाम इसका? कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना, कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, क्या नाम इसका? कैनिस फैमिलियरिस। आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा, क्योंकि जो हैंड रिटन करते हैं तो उसमें अंडरलाइन करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग उसे करते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गाय। गाय का पूछा जाता है, गाय का होता है बॉस इंडिका। क्या बोलते हैं इसे? बॉस इंडिका। ठीक है, ये किसका है? गाय का। इसके अलावा पूछा जाता है घरेलू मक्खी। किसका? घरेलू मक्खी। इसका क्या बोलते हैं? मस्का डोमेस्टिका। इसे क्या बोलते हैं? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका किसका होता है? घरेलू मक्खी का होता है। इसके बाद आपने नाम सुना होगा किंग कोबरा का नाम, किंग कोबरा। किंग कोबरा, किंग कोबरे का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा किंग कोबरे का साइंटिफिक नेम है ओफियो फेगस हन्ना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ओफियो फेगस हन्ना। ये किसका है? किंग कोबरा का। इसके बाद देखते हैं शेर। शेर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है पेंथ्रा लियो। क्या है? पेंथ्रा लियो। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे? पेंथ्रा लियो। इसके बाद हम देखते हैं बाघ। बाघ को क्या बोलते हैं? सॉरी, पेंथ्रा में पी करना, पी एन टी एच आर ए, पेंथ्रा। इसका भी बोलते हैं पेंथ्रा टिग्रिस। इसे क्या बोलते हैं? पेंथ्रा टिग्रिस। इसको बाघ को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखते हैं डॉल्फिन। ठीक है, क्या है ये? डॉल्फिन। डॉल्फिन को क्या बोलते हैं? डॉल्फिनस, डेल्फिस। इसे क्या बोलते हैं? डॉल्फिनस डेल्फिस। ये किसका है? डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद देखते हैं हाथी। क्या होता है? हाथी। हाथी को बोलते हैं एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, ये किसका होता है? हाथी का होता है। क्या इसे बोलते हैं? एलिफस मैक्सिमस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं मोर। मोर का जो साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। क्या बोलते हैं इसे? पावो क्रिस्टेटस। ये किसका नाम है? ये आपके मोर का साइंटिफिक नेम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कबूतर। क्या नाम है? कबूतर। कबूतर का साइंटिफिक नेम है कोलंबा लेविया। इसे क्या बोलते हैं? कोलंबा लेविया। तो दोस्तों, यहाँ अब बोर्ड पूरा हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसको रफ करके आगे भी लिख सकूँ। चलिए, अगला देखेंगे जेब्रा। क्या बोलते हैं? जेब्रा। ये जो जेब्रा है, देखिए
एक जेब्रा होता है, एक गधा होता है जिसे डंकी बोलते हैं, और एक घोड़ा होता है। इनके अला इनका जो जीनियस है, वंश है, वो एक ही है, लेकिन इनकी जो स्पीसीज है वो अलग मिलेगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो वंश है वो क्या है, इक्वस है। क्या है? इक्वस क्यूगा, इक्वस क्यूगा, इसे क्या बोलते हैं, इक्वस क्यूगा। ये किसका है? जेब्रा का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है गधा। गधा जिसे बोलते क्या है, डंकी। डंकी को क्या है साइंटिफिक नेम, इसका नाम है इक्वस एसिनस, सॉरी इक्वस एसिनस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इक्वस एसिनस। इसके बाद घोड़ा, क्या है घोड़ा, घोड़ा का साइंटिफिक नेम क्या है, इक्वस जुवेटस। इसे क्या बोलते हैं, इक्वस जुवेटस। किसका है? घोड़ा का साइंटिफिक नेम है। तो हमने क्या देखा, जेब्रा, गधा और घोड़ा, तीनों के आप देख रहे हैं आपके वंश एक है, इक्वस इक्वस इक्वस, लेकिन सबकी स्पीसीज अलग हैं। क्यूगा जेब्रा का है, एशिनस गधा का है, और जुवेटस किसका है, घोड़े का है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं चीता। क्या नाम है? चीता। चीते का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो याद रखना, चीते का होता है एसिनो नाइक्स, एसिनो नाइक्स जुवेटस। ठीक है, क्या होता है? एसिनो नाइक्स जुवेटस। दोस्तों थोड़ा सा ये नेम डिस्टर्ब हो गया है, जो इक्वस जुवेटस लिखा है यहाँ इक्वस जुवेटस नहीं करना है, यहाँ पर इक्वस क्वेलस करना है। क्या करना है? सॉरी, क्वेलस करना है। जुवेटस इसका होता है, क्वेलस करना है। ठीक है, यहाँ घोड़े का होता है इक्वस क्वेलस, और जुवेटस होता है एसिनस जुवेटस, इसका होता है चीते का होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं, कौन सा? भेड़। इसका देखते हैं भेड़। भेड़ का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? एरिस। इसका क्या होता है? ओबियस एरिस। ठीक है, क्या होता है? ओबियस एरिस। ये किसका होता है? भेड़ का होता है। अगला, भेड़ के बाद और कौन होते हैं इम्पोर्टेंट? भेड़ के बाद अगर देखें तो चूहा, चूहा का भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना चूहे का होता है रेटस, रेटस नॉर्वे गिकस। क्या होता है इसका? रेटस नॉर्वे गिकस। ठीक है, ये किसका होता है? आपका चूहे का होता है। अगला देखते हैं इसका, छिपकली। छिपकली का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, छिपकली, सॉरी छिपकली। तो याद रखना छिपकली का होता है हेमी, हेमी डेक्टाइलस, हेमी डेक्टाइलस फ्रेनेटस। क्या होता है इसका? हेमी डेक्टाइलस फ्रेनेटस। ये किसका होता है? आपके छिपकली का होता है। इसके बाद हम देखते हैं बंदर। बंदर में आपने सुना होगा
आरएच फैक्टर का नाम, आरएच जो फैक्टर की खोज हुई थी वो लैंडिस नीलर ने बंदर से ही की थी, और बंदर को बोलते हैं रीसस। क्या बोलते हैं? रीसस। तो यहाँ इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? रीसस मैकेक। रीसस मैकेक ये किसका होता है? आपके बंदर का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पूछा जाता है लोमड़ी का, किसका होता है? लोमड़ी का। लोमड़ी का होता है बाल्पस वेनगा लेंसिस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? बाल्पस वेनगा लेंसिस ये किसका होता है? आपके लोमड़ी का होता है। इसके बाद एक और पूछ लिया जाता है आपसे, गिलहरी का। ठीक है, क्या होता है गिलहरी का? फ्यू नेम्बुला फिनेम्बलस पल्मारूम। क्या होता है? फिनेम्बलस पल्मारूम। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं के साइंटिफिक नेम जो अभी हमने देखे हैं। बस लगभग इतने से ही आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप लोग लर्न कर लीजिए, बार बार दो दिन तीन दिन इनको रिवाइज करिए। तो जब आप बार बार दो दिन तीन दिन इसे रिवाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अभी आप पहली बार इन चीज़ों को देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टफ लग रही होंगी, थोड़ी सी तो समस्याएं आ रही होंगी, सोच रहे होंगे कि कैसे याद होंगी। पर आपको हमने बताया ना कि आप मेरे अनुसार अगर आप कर लेंगे तो यही चीज़ आपको आसान लगने लगी। आप डेली 15 मिनट इन्हें खोल के बैठना है और देखना है और उसे रिवाइज करना है। ऐसा आप 3 से 4 दिन तक कर दिए, और 3 से 4 दिन के करने के बाद आपको यही नाम जो होना वो बड़े आसानी से आने लगेंगे। तो थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे करना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा जंतुओं के साइंटिफिक नेम। कल के वीडियो में हम देखेंगे पौधों के या पादपों के साइंटिफिक नेम। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये जंतुओं के जो साइंटिफिक नेम हैं इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि कल का जो नया टॉपिक आएगा, कल का जो पादप का जो साइंटिफिक नेम आएंगे कल, आप उनको भी ताकि कर सकें। तो दोस्तों हमारी जो ये साइंस की सीरीज चल रही है, हमें आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रही होगी। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। आप लोग हमें हमेशा इसी तरह सपोर्ट बनाए रहें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस या आपको लगता है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो उसके बदले आपसे एक चीज़ चाहिए कि आप उसमें कमेंट करके बताएं मुझे कि मेरी वीडियो कैसी आ रही है, और लाइक करें। और जिस ज़रूरतमंद लोगों को अगर तुम्हें लगता है कि उसकी साइंस कमज़ोर है, या कोई 9th, 10th, 12th, 11th का कोई बच्चा है, बायो में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी मैं सिखा पाऊँ और वो भी मेरी पढ़ाई हुई जो वीडियो हैं वो देख करके जो बायोलॉजी है उसको अपनी मजबूत कर सकें। तो इससे आपका भी होगा और जिसे आप भेजेंगे उसका भी भला होगा। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को करने में सहयोग करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में। तो आप अपना ध्यान रखिए।